हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह एज अ मैथ मेंटर। आपको बोर्ड में लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा आज सारा डिस्कस करते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट एंगल सी ए बी, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में स्क्राइब्ड होता है। क्या होता है? सेमी सर्कल में स्क्राइब्ड होता है। और जब ये मेरा सेमी सर्कल में स्क्राइब होता है, सेमी सर्कल में स्क्राइब्ड होता है, ये मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया। अगर हम यहाँ पे डी मिड पॉइंट लेते हैं और मिड पॉइंट को मिला देते हैं, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, और ये जो बनेगा मेरा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। अब यहाँ जो जी जो बनेगा, यहाँ जी यहाँ मान लेते हैं सेंट्रोइड, तो जो आर बराबर होगा वो हो जाएगा सी बाई टू। क्या होगा? सी बाई टू। अब जो मेरा सी डी का लेंथ है वो हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट मीडियन, शॉर्टेस्ट मीडियन। और इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल टू आर से, आर वही हो गया सी बाय टू। अगर ये मेरा सेंट्रोइड है, ये मेरा टू इज टू वन में बांटेगा, टू इज टू वन में बांटेगा सेंट्रोइड है तो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड का बीच का लंबाई बताएं, मतलब सी आर जी का, सी आर जी का। तो सी आर जी का मतलब सी डी का वैल्यू हम लोग हो गया सी बाई टू, और सी जी मतलब टू बाई थ्री, टू से टू कट गया, तो सी जी का जो आया क्या आया? सी बाई थ्री, या तो बोल सकते हैं हाइपोटेनियस का थर्ड पार्ट। ये मेरा हुआ, इसको अब समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं, देखिए ये मेरा सेमी सर्कल है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में स्क्राइब होता है, तो सेमी सर्कल में स्क्राइब हुआ, ये मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सेंट्रोइड हो गया, ये सर्कम सेंटर हो गया। और सेंट्रोइड हमेशा टू इज टू वन में बांटता है। आर बराबर सी बाई टू, तो सी जी का लंबाई पूछेगा, तो सी जी मतलब सी बाई टू, और ये हो गया टू बाई थ्री, तो सी बाई थ्री, और सी बाई थ्री को हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनियस बाई थ्री। अगला कॉन्सेप्ट, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सी बी, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ, ये मेरा पॉइंट हो गया आई, ये हो गया ऑर्थो सेंटर आपका, ये मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया। अब जो ओ से आर आई से पूछेगा, अब यहाँ एक आपका छोटू सा स्क्वायर ड्राइव होता है। क्या होता है? स्क्वायर ड्राइव होता है, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। सबसे पहले आपको पूछेगा ओ से आई का लेंथ, क्या पूछेगा? ओ से आई का लेंथ मतलब रूट टू आर। अब यहाँ हो गया ओ आई का रूट टू आर। अब अगला देखते हैं,
कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, यही होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। अब देखते हैं, अगर हम 2 को इधर लाते हैं तो 2r हो गया p प्लस बी माइनस एच, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब अगर हम h को 2r लिख सकते हैं तो 2r इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस माइनस 2r, ये आ गया 2r प्लस 2r पी प्लस बी, यहाँ से 2 कॉमन हो गया आर प्लस आर इक्वल टू पी प्लस बी। ये आपका सी डी एस के एग्जाम में पूछा होगा। एक स्टेप अगर आगे पूछ ले, क्या आर प्लस इक्वल टू पी प्लस बी इक्वल टू 2, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये हो गया, फिर से एक बार आठ समझते हैं कि जो मेरा ये पूछ ले लेंथ तो क्या होगा रूट टू आर, और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, टू को इधर लाए टू आर हुआ, यहाँ क्या बचा पी प्लस बी माइनस एच, अब एच को क्या लिख सकते हैं टू आर लिख सकते हैं, अब इधर आया टू आर तो फिर पी प्लस बी बचा, फिर यहाँ से टू कॉमन लिए तो आर प्लस आर इक्वल टू पी प्लस बी, और फिर यहाँ से 2 ले जाएंगे तो पी प्लस बी बाई टू। यहाँ से आगे देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का बात करें तो क्या होता है 1/2 बी इंटू पी, बी इंटू पी, एक ये मेरा हो गया। छोटा सा हम लिखवाए कि आर इक्वल टू पी प्लस बी माइनस, अगर हम इसको लग दें प्लस एच आर माइनस टू एच से घटा दें बाई टू, बात तो बराबर है क्योंकि पी प्लस बी प्लस एच अगर हम इसको माइनस टू एच से घटा दें तो बात बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ अगर इसको हम सेपरेट लिख दें, मतलब p प्लस बी प्लस एच टू कर दें और इधर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा h बचेगा, h बचेगा। अब हम बात करते हैं जो ये फॉर्मूला मेरा आया राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको लिख दिए सेमी पेरीमीटर माइनस h, यही आए सेमी पेरीमीटर माइनस एच, और h को हम क्या लिख सकते हैं 2r, तो s माइनस 2r, ये मेरा रिजल्ट हुआ। अगला देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं सर, जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया एरिया होता है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू होता है इन रेडियस इनटू एस सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से हम अगर रेडियस इक्वल टू यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा एस माइनस टू आर इक्वल टू एस माइनस टू आर इक्वल टू एस, मतलब यहाँ से एस इंटू एस माइनस टू आर, यही हो गया। इतना ज़्यादा पेपर में पूछा हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं, समझ में आ गया। इसको फिर से देखते हैं, ये मेरा होता है एरिया डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस, अब इसको आर इक्वल टू हम ड्राइव किए कि एस माइनस टू आर, अब एस माइनस टू आर हुआ तो
तो आर इक्वल टू हुआ एस माइनस टू आर इंटू एस, और इसको लिख दिया एस इंटू एस माइनस आर। अब अगला देखते हैं, एस माइनस टू वन, एस माइनस टू आर इक्वल टू। अगर हम यही देख लें कि अगर एस का वैल्यू हम करें तो एस इक्वल टू यहां लिख सकते हैं आर प्लस टू आर, एस प्लस टू आर को क्या लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो आर प्लस टू आर हो जाएगा। अब यहां देखिए एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखवाए, डेल्टा का आर इंटू एस लिखवाए। अब हम एस इक्वल टू अगर हम वहां पुट करें, एस इक्वल टू पुट करें तो क्या हो जाएगा, आर आर प्लस टू आर, क्या होगा आर प्लस टू आर। इसको हम करें तो आर स्क्वायर प्लस टू आर, यही मेरा आएगा। ये जो आया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेरा रिजल्ट हुआ, क्या हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब बात करते हैं एक अगला थ्योरम का, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, यहाँ से यहाँ तक ए मानते हैं, यहां से आपको जो पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इसको क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, क्या होगा ए इंटू बी। अब ये यहाँ आया कहाँ से वो देख लेते हैं कि ए इंटू बी आया कहाँ से। यहाँ देखिए फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा, ये आर ये भी आर, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि सर्कल के जो बाहर टेंजेंट खींचा हुआ है वो हमेशा इक्वल होता है, क्या होता है कि जो सर्कल के बाहर टेंजेंट खींचा हुआ है वो हमेशा बराबर होता है, मतलब ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये भी ए, ये तो आर था तो आर, मतलब रेडियस स्क्वायर का रेडियस हमेशा इक्वल है, ये ए था। अगर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालें, क्या निकालें, सेमी पेरीमीटर निकालें तो टू ए टू आर और टू बी, टू ए टू बी और टू आर दोनों का हाफ होता है, मतलब क्या होगा यहाँ आर प्लस ए प्लस बी, यही इसका सेमी पेरीमीटर निकला, यही इसका सेमी पेरीमीटर निकला आर प्लस ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्या, ए प्लस बी प्लस आर, ये बड़ा होता था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बताया कि डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस होता है, तो आर और एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस आर, यही निकालना है हमको, फाइंड करना है इसका मतलब क्या होगा। अब देखिएगा क्या कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तब क्या पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हम लगाते हैं ए और आर, मतलब ए प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस बी का होल स्क्वायर, आर प्लस बी का होल स्क्वायर, आर
प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगी। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू आर ए। यहाँ देख लेते हैं, आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू आर बी। अब यहाँ देख लेते हैं कि ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ से ए और बी कट जाएगा, ए और बी मेरा कट गया। एक आर यहाँ एक आर यहाँ, टू आर स्क्वायर प्लस टू आर ए प्लस टू आर बी इक्वल टू टू इंटू ए बी। यहाँ से देखिएगा टू 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 कैंसिल, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम r कॉमन लेते हैं, मतलब r अगर हम कॉमन ले लिए यहाँ से, तो क्या बच गया, r बचा प्लस a बचा प्लस b बचा, और इन्हीं का प्रोडक्ट क्या हो गया n टू। ये मेरा प्रूफ्ड हो गया कि ये जिसका जो प्रोडक्ट होगा अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल रहा, ए के सामने ये हुआ, बी के सामने बी हुआ और सी के सामने सी हुआ। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, तो ये नहीं हो सकता कि ये जाके मिड पॉइंट पे मिले, ये नहीं आप बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट पे मिले। अब अगला जो रिजल्ट ड्रॉ होता है क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं डी। तो सी डी का लेंथ अगर निकालना हो क्या होता है, बी इंटू ए बाय सी, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा हाइट। अब ये देखते हैं कहाँ से आया, तो मान करते हैं ये बेस हो गया मतलब 1/2। अब पी सी डी को हम डिनोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं पी, इसको पी 1/2 बेस ए हुआ ए इंटू बी। अगला बात करते हैं, अगर हम इसको बेस मान लें, इसको बेस मान के अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा 1/2, और मेरे लिए हाइट तो ये हो जाएगा पी, तो सी इंटू पी 1/2 कट गया। अब क्या बचा मेरे लिए, ए इंटू बी बाई सी इक्वल टू, ये मेरा प्रूफ हो गया कहाँ से। इसी में अगर हम इसको रेसिप्रोकल लिखें, मतलब उल्टा लिखें, क्या लिख सकते हैं, 1/p इक्वल टू सी इंटू ए बी। दोनों साइड अगर हम होल स्क्वायर करें, 1/p² इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ए से कटेगा तो 1/p² ए से कटा इक्वल टू 1/b² बचा प्लस 1/a² ये इतना बार एग्जाम और सभी एग्जाम में पूछा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। ये फिर से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर से, वही बात हो गया कि ये मीडियन पे नहीं बोल सकते कि मिलेगा। यहाँ से बात करते हैं, अगर हम इसको थीटा माने, ये मेरा 90 हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा थीटा हुआ, ये मेरा 90 डिग्री हुआ, ये क्या हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। अब जब ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये मेरा कितना बचा, थीटा, यही बचा।
अब देखते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल जो हुआ, यहाँ तीन ट्रायंगल मेरा श्रावण से हो गया, मतलब ए बी सी, ए बी सी, इसको डी नॉर्मल कर देंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी डी सी, तीनों सिमिलरिटी है, मतलब सर्वांगसम। ट्रायंगल ए बी सी समरूपता, सॉरी सिमिलरिटी ए डी बी, ए डी बी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि छोटू में अगर मेरा सिमिलरिटी हुआ तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा वो मेरा सेम होगा। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने देखेंगे ए बी आता है, 90 डिग्री के सामने ए बी, और बड़ा में 90 डिग्री के सामने ए सी, यही हो गया, यही हो गया। हम देखें अब थीटा के सामने, थीटा के सामने छोटा ट्रायंगल में थीटा के सामने हो गया ए डी, और बड़ा थीटा के सामने ए बी। फिर से देख लेते हैं क्या कि 90 डिग्री के सामने ए बी, छोटा ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ए बी, बड़ा ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ए सी। फिर यहाँ से थीटा छोटा ट्रायंगल में ए डी और थीटा बड़ा ट्रायंगल में ए बी। यहाँ से एक रिजल्ट आता है क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मतलब जो ये हुआ ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, इसी का प्रोडक्ट जो होगा ए बी का स्क्वायर होगा। इसमें देखते हैं अगला जो होगा, अगर आपसे बी सी का पूछ ले, बी सी का स्क्वायर पूछ ले, फिर उसी तरह चलेगा। और बी सी का स्क्वायर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी, उसी तरह हो जाएगा सिमिलरिटी से ही, कि जो होगा डी सी हो जाएगा, और यहाँ से सीधे चला लगा दीजिए सी ए। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आता है, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी गुने ए सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी गुने सी ए। ए सी से ए सी कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी बाय डी सी। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको और भी लिख सकते हैं क्या, ए बी बाय बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए डी बाय डी सी, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट हो गया, तो समझ में आ गया होगा। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे क्या, ए सी ए सी कटा, मेरे पास क्या बचा, ए डी बाई डी सी, और ए डी बाई डी सी जब इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में जाएगा। फिर से अगला देखते हैं क्या, अब अगला कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, अब इसको हम अगर थीटा माने, ये 90 माइनस थीटा हुआ, अब ये 90 माइनस थीटा हुआ, फिर ये पूरा 90 है, ये थीटा, ये 90, फिर ये 90 माइनस थीटा, अब ये पूरा 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये थीटा के सामने ये तो फिर ट्रायंगल जो हो गया वो सिमिलरिटी हो गया, तो ये थीटा के सामने बी डी
थीटा के सामने बी डी, उसके बाद ये थीटा के सामने देखे तो ए डी, थीटा के सामने ए डी, फिर 90 माइनस अगर थीटा के सामने देखे तो डी सी, और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने देखे तो बी डी, तो बी डी बी डी बी डी स्क्वायर हो गया डी सी इंटू ए डी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये बात आ गया स्क्वायर पे, तो स्क्वायर पे बात आया, ये मैं ट्रायंगल बनाया, ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें एक स्क्वायर बना, कौन सा पी क्यू आर एच। स्क्वायर को हम मान लिए एक, ए मान लिए, ये पूरा साइड एक्स हो गया, और जो इसका हाइट है उसको हम मान लिए वाई। तो ये इसका जो साइड ज्ञात करने के लिए आता है ए, क्या होता है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस बटा सॉरी एक्स, ए इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। ये देखते हैं कहाँ से आया, ये तो मेरा ट्रायंगल दो दिख रहा है, अब यहाँ से देखते हैं इसका बराबर ये हो गया और इसका इक्वल टू ये सब में कॉमन दिख रहा है, ये फिर से हो गया सिमिलरिटी। अब यहाँ से देखते हैं क्या कि ये जो कॉमन वाला है ये छोटा वाला में देखे तो ये हो रहा है, और अगर बड़ा में देखे तो पूरा एक्स है। अगर हम इसमें छोटा में देखें कि वाई माइनस ए है, अगर इसमें बड़ा में देखें तो पूरा वाई है, वाई इधर गया तो एक्स वाई हो गया, ऐसे में एक से गुना हो गया तो एक्स वाई हो गया, एक्स ए में गुना हो गया तो माइनस एक्स ए हो गया, इधर आया एक्स ए, एक्स वाई प्लस एक्स ए इक्वल टू एक्स वाई। फिर से अगर यहाँ ए कॉमन लिए तो वाई प्लस एक्स हो गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ए इक्वल टू हो गया एक्स वाई बटा वाई प्लस एक्स। ये कहाँ से आया, ये हमने प्रूफ किया, कहाँ से आया हमने प्रूफ किया, यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। राइट एंगल का ट्रायंगल का सब लगभग हमने कॉन्सेप्ट डील किया, अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हुआ बी सी ए, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले डी, और सी डी को हम नाम दिए पी, और पी इक्वल टू पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि ए बी बाय सी होता है, और स्क्वायर का साइड याद करने के लिए भी पिछले अथि में बताया कि सी पी बाय सी प्लस पी होता है। अगर हम P इज इक्वल टू सी इंटू बी बाई सी अगर हम पुट कर दें तो क्या होगा, P इक्वल टू ए इंटू बी बाई सी पुट कर दें तो क्या होगा, ए बी बाई सी और सी प्लस ए बी बाई सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से फिर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आए कॉन्सेप्ट है। थैंक यू प्लस।